नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कोरोना वायरस से जंग लड़ते लड़ते एक और जंग जो हम लड़ रहे हैं वो है सांप्रदायिकता से, भेदभाव से। और इसी तरह का एक मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के बैतूल का, जहां पर दीपक बुंदेले नाम के एक व्यक्ति जो कि पेशे से वकील हैं, उनके साथ मार्च के महीने में मारपीट की गई पुलिस के जरिए, क्योंकि उनकी एक बड़ी सी दाढ़ी है, उनकी पहचान अलग मानी गई। उनको समझा गया, पुलिस ने समझा कि शायद वो मुसलमान हैं। हमारे साथ दीपक बुंदेले मौजूद हैं, जिनसे हम पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। दीपक ने एक वकील होने के नाते और एक जागरूक नागरिक होने के नाते फौरन ही इस मामले पर मुकदमा दायर किया, और अब इस मुकदमे को वापस लेने की बार बार उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। यहाँ हैरानी की बात यह है कि दीपक से बार पुलिस वालों ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड, हमारे पास ऑडियो मौजूद है, वो ऑडियो भी हम आपको सुनवाएंगे, वो आवाज़ जिनमें उन्होंने कहा है कि गलती हो गई हमसे, हमने आपको मुसलमान समझा था इसलिए आपके साथ मारपीट की गई। मैं दीपक से सबसे पहले यही जानने की कोशिश करूंगी कि क्यों दीपक ने ये समझते हुए कि उनकी गलत पहचान की वजह से उनके ऊपर हमला किया गया, क्यों नहीं वो इस बोझ को उतार देते, और क्यों वो अब इसको आगे ले जाना चाहते हैं, क्यों इस मुकदमे को कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहते हैं। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये पूरा मामला क्या था 23 मार्च का, और अब इस मामले पर क्या हो रहा है। जी अर्फा जी, मतलब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था, 23 मार्च को ब्लैंक था, कुछ नहीं था, 144 लगी हुई थी शायद बैतूल में। अब और उसके बाद जो लॉकडाउन है उसके बाद चालू होता है, तो मुझे आसार थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। और मैं मतलब 15 सालों से बीपी का मरीज हूँ, डायबिटिक है मुझे, मैं दिन भर में मतलब लाइफ सेविंग ड्रग्स के बिना मैं 2 दिन नहीं जी पाऊंगा, मैं गंभीर रूप से बीमार आदमी हूँ। तो मैं गया, मेरे घर से 200 या 300 मीटर दूर कुछ पुलिस वालों ने मुझे रोका, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा भाई हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं अकेला था, पैदल जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि भाई रास्ते में कुछ पुलिस रोक रही है, इसलिए मैं गाड़ी लेके नहीं गया, अपनी बाइक लेके नहीं गया। तो कहाँ, उनने पूछा कहाँ जा रहा है, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है? मतलब भाई हॉस्पिटल जा रहा है, डॉक्टर को दिखाना है। बोले पहलवान दिख रहा है, घर जा। मैंने कहा भाई आपके दिखने से नहीं होता, डॉक्टर सर्टिफाइड करेगा पहलवान हूं कि नहीं हूं। उतने में किसी ने मुझे एक तमाचा मार दिया, और फिर मैंने भी थोड़ा आक्रोश में कहा, मतलब आप कानून को अपने हाथ में मत लो, अगर आपको करना है तो मुझे 188 कार्रवाई कर लो, कोर्ट में सबको निपटा दूंगा। इस तरह से मैंने भी कहा, तमाचा पड़ गया मुझ पर। तो उसके बाद उन्होंने सभी के सभी मतलब जितने लोग तैनात थे उसमें अधिकतर 8-10-15 लोग मुझ पर टूट पड़े और भयंकर बुरी तरह से पिटाई की मेरी। मतलब मेरे कान का एक पर्दा फट गया, शायद अभी भी उसमें से सुनने में दिक्कत है मुझे। मतलब वो 23 मार्च के बाद 2 महीने होते आ गए, और मैं डायबिटिक हूँ इसलिए कोई भी इंजरी रिकवर हो रहा है, लेकिन ऐसा पूरा रिकवर नहीं हुआ, बहुत धीमे भरती है मेरे लिए। दीपक, ये बताइए कि आपको ये कैसे पता चला कि आपकी धार्मिक पहचान जो आपकी है उसको ना समझ के आपको एक मुसलमान माना जा रहा था, इसलिए आपकी पिटाई हुई, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए मतलब मसला ये है, मैं नहीं कह रहा ये। जब अभी 2 दिन पहले 17 मई को पुलिस वाले मेरे घर बयान लेने आए इस घटना का, अब उनको प्रक्रिया दिखानी है कि ये किया है हमने, तो वो मुझे कन्विंस करते, अरे वकील साहब यार बयान मत दो, अपन पुलिस का और अपना पुराना रिश्ता है, और तुम्हें इसलिए नहीं मारा कि तुम वकील हो या तुम्हें पहचान नहीं पाए। मतलब पहचानते कैसे यार? बोले तुम्हारी दाढ़ी समझ देख के तुम्हें मुसलमान समझ लिया। अब और इसी बात को उन्होंने कम से कम कई बार कहा कि आपकी दाढ़ी बड़ी है इसलिए आपको मुसलमान समझ लिया, इसलिए आपको मार दिया। मैंने ये भी कहा कि भाई आप मुसलमान समझ के किसी को कैसे मार सकते हो? तो बोले, फिर उन्होंने कहा कि जब भी राइट होता है तो पुलिस है जो है वो हिंदुओं के पक्ष में खड़ी होती है, ये बात मुसलमान भी जानते हैं। ये बात सारी ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। अब इस तरह से इन्होंने कहा, और फिर भी बयान बदलने का प्रेशर बनाते रहे, और अब जब बयान नहीं बदले मैंने कहा भाई हेड साहब आप तो जो बयान मैं दे रहा हूँ वो लिखो, सामने वाली पार्टी अपना पक्ष कोर्ट में रख देगी, वो सही थी गलत थी, या हो सकता है मैं गलत हूँ, कोर्ट को बता दे। लेकिन वो चाह रहे थे मामला खत्म करो, और मैंने कहा कि मैं स्टेट बार, नेशनल बार, सब जगह लिख चुका हूँ, भारत के राष्ट्रपति तक हर जगह लिख चुका हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट को लिख चुका हूँ, मतलब हर जगह लिख चुका हूँ मैं इस घटना के बारे में कि आपके ने मेरे साथ पिटाई की। तो इस वार्तालाप के दौरान वो कहते कि आप मुसलमान दिख रहे थे इसलिए आपको मार दिया, अगर उनको पता होता आप हिंदू हो, आप तो हमारे भाई हो, आपको नहीं मारते।
ठीक है दीपक, वो जो जिस ऑडियो एविडेंस का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक अभी उस ऑडियो एविडेंस को सुने और फिर वापस आके फिर हम आपसे सवाल जवाब करेंगे। क्या है जब दूसरी वो समझ के समाज समझ के आपके साथ घटना हो गई है और कुछ नहीं। अरे यार लेकिन हेड साहब मतलब पटेल जी, मेरी आप मानो मेरी आपके समाज के मेरे कम से कम 50 मित्र हैं और मैं उनके साथ के बैठ खाना खाता हूँ वो सब, और बड़ा क्या है कि मैं नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं, मैं नहीं बोलता, हम कह रहे हैं, कुछ नहीं मेरे साथ कोई घटना वो जो भी कोई जाने नहीं, और जो भी हुआ लिख दिया अपन ने। अरे यार देखिए, अब आप भी पुलिस है, मैं भी वकालत कर रहा हूँ इतने सालों से, मुझे पता है कि अब ऐसा अब झूठा बयान क्यों दूं जब मैं इतना कर रहा हूँ। मतलब उनको थोड़ा सी मतलब मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, आपसे वो आपका सही कहना है, वो आपका सही कहना है, हम भी उस दुख से आपके दुख से मैं भी दुखी हुआ, मुझे भी पता लगा, मगर बात ये है कि अपन ने लिख के भेज दिया, मगर वो फिर ये नहीं कहेंगे तो मतलब क्यों लिखा हो गया। हमको किसी की बहन नहीं है, पुलिस जब भी हिंदू मुस्लिम राइट होता हिंदुओं का ही साथ देती, ये मुसलमान भी जानते, मगर वो अनभिज्ञता में आपके साथ में घटना हुई है, उसके लिए हमारे पास कहने को कोई शब्द नहीं है मेरे पास, मैं ये जानता बस। और जो भी आप नहीं, उस दिन ना हिंदू मुस्लिम राइट थे ना कुछ था, कुछ नहीं था उस दिन, नहीं है वहां पे उनने चार पांच आपके पहले तीन चार ऐसी घटना हो चुकी थी जिससे पूरा वो परेशान थे, वो समझ गए जी गड़बड़ा। तो क्या आप कह रहे हो मुसलमान समझ के मार दिया मुझे? हाँ वो ही समझ, वो घटना क्योंकि वो हाँ दाढ़ी तो मेरी कब से बड़ी है, कभी घटी नहीं है, वो बोल बोल इस कारण दीपक ये बताइए कि जब आपको ये पता चल गया कि ये हमला आपके ऊपर नहीं था बल्कि ये एक तरह से एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का या कि एक तरह से भूल हो गई पहचान में, तो फिर इस मामले को आप क्यों आगे लेके जाना चाहते हैं? जब ये आप पर हमला नहीं है, मुसलमान मान के किया, आप मुसलमान नहीं है, तो क्यों आपको लगता है कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए बात को? मैडम ये बहुत दुखी करने वाला सवाल है, ये हमला मेरे देश पे है, मुझ पे नहीं है, अभी है ये साझा कल्चर पे हमला है, जो हिंदू और मुसलमान का कल्चर है ये उस पे हमला है दाढ़ी देख के। तो और मैं इसके लिए तमाम मैंने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के संपर्क में हूँ, अब इसको बिल्कुल बात ऊपर तक जानी चाहिए, क्योंकि चलो मैं माफ करता था उन्हें, एक दीपक को मार दिया, एक तमाचा मार दिया, 327 का अपराध है, चलो ठीक है, लेकिन अब जब आपने मेरी दाढ़ी देख के बनाया है तो आपने इस देश के कल्चर पे हमला किया है, मतलब दाढ़ी रखना अपराध हो गया है। मैंने बात की है विवेक तनखा साहब से, मैंने बात हुई मेरी सुप्रीम कोर्ट में, एहतेशाम हाशमी साहब से बात हुई है, हम सबसे बात हुई है, हम इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय तक लेके जाएंगे। और जो पुलिस का सांप्रदायिकरण जो हो रहा है ये बहुत खतरनाक है, मुसलमानों के लिए नहीं, ये हिंदुओं के लिए खतरनाक है, सबके लिए, देश के लिए खतरनाक है ये। दीपक आप ये बहुत गहरी बात कह रहे हैं, मैंने तो पिछले कई साल इस तरह की बात नहीं सुनी है कि जहां पर कोई आपके ऊपर हमला नहीं भी हो रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे कंपोजिट कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति पर हमला है, दूसरों पर हमला है तब भी आप अपने ऊपर मान रहे हैं। क्या ये वजह है कि आपने भारत का संविधान पढ़ा, आप एक वकील हैं और आप जानते हैं कि ये हमला सिर्फ एक व्यक्ति या एक धर्म के मानने वाले एक समुदाय के लोगों पर नहीं रुकेगा? बिल्कुल मैडम ये नहीं रुकेगा, वो असल में एक है ना, शायद एक पोएम में बड़ी अच्छी, आग लगाने वालों दूसरों के घर मत जलाओ, वो बड़ा अच्छी लाइन है कि आग किसी का घर नहीं देखती, वो आग लगेगी तो दूर तक जाएगी, फिर उसे धर्म जात मजहब समझ में नहीं आएगा, वो किसी को भी जला सकती है। और जब भारत का संविधान तो पढ़ा है, और मुझे लगता है कि जो बचपन में तालीम मिलती है वो बड़ी जिंदगी में अहम होती है, हमारे एक सर थे वो मुझे मार मार के उन्होंने भारत के अधिक संविधान की मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य याद कराए थे 7वीं क्लास में, तो वो दिमाग में मेरे वहां से बैठा हुआ है। लेकिन मैं देखता हूँ आजकल के बच्चों को क्या दिखा रहा है, मतलब मीडिया क्या दिखा रहा है, स्कूल में क्या बच्चे को कोई टीचर इसलिए मार रहा है कि उसको संविधान के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य नहीं पता है।
बताइए कि पुलिस का जो कम्युनलाइजेशन है, जो सांप्रदायिकरण हुआ है, ये इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या मध्य प्रदेश में, आपके राज्य में भी आपने इसको पनपते हुए देखा है? आपके पेशे में भी, मेरे पेशे में भी पत्रकार भी सांप्रदायिक हो रहे हैं, वकील भी सांप्रदायिक हो रहे हैं, ऐसे में क्या पुलिस को हम अलग तरीके से देख सकते हैं? नहीं मैडम, पुलिस को क्या, समाज को देखने की जरूरत है। अब ये पूरे समाज का हिस्सा है पुलिस। पुलिस कहीं अलग से आई वाली चीज नहीं है, वकील कहीं से अलग से नहीं आए। आपके जमात के पत्रकार, मेरी जमात के वकील, हम इसी समाज का हिस्सा है। हमें समाज को बचाना है तो सब बच जाएगा अपने आप। सिर्फ पत्रकार और पुलिस नहीं, मतलब ये समाज इस तरह हो रहा है और ये सब समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं कि वकील कैसा है, पुलिस वाला कैसा है, स्कूल का टीचर कैसा है, आपके कॉलोनी में जो फल बेचने आ रहा है वो कैसा है। ये मतलब इन सबसे पता चलता है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, किस गर्त में जा रहा है। तो अभी बताइए कि आपके ऊपर दबाव किस तरह का हो रहा है कि आप इस मामले को वापस ले लीजिए? कौन ये दबाव डाल रहा है, हमें इस बारे में भी बताइए। जिस दिन बयान लेने पुलिसकर्मी मेरे घर आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार वकील साहब, कि आप दोनों भाई वकील हो, पुलिस से दोस्ती रखोगे तो वकालत अच्छी चलेगी। मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो अच्छी बात कहता रहा। अब उसके बाद लेकिन भाई बोले पुलिस से बैर रखने से पुलिस कभी आपको केस में फंसा देगी। अब आपके दोनों भाई का भी सवाल है। तो अब मैं समझ गया कि इनकी जो अभी गांधी की बात कर रहे थे, उन्होंने गांधी का भी जिक्र किया है। आप सुनोगी तो पता चलेगा कि हम वो कहते हैं हम गांधी के बच्चे हैं। तो मैं समझ गया इनका रंग बदल रहा है। तो मैंने कहा नहीं, आप बयान नोट करिए, बाकी तो आप देख लेंगे, हम केस में फंसाएंगे या नहीं फंसाएंगे हम तब देख लेंगे। तो इस तरह से कोई राजनीतिक दबाव अभी तक तो नहीं, लेकिन बिल्कुल होगा। पुलिस के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव है जिसकी वजह से वो आपके ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, इस पे मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है ये बात। आखिरी सवाल आपसे दीपक, मुझे बताइए कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उसके इर्द गिर्द, जैसे हमने खुद माना कि वकील, पत्रकार, पुलिस सबका सांप्रदायिकरण हो रहा है, ऐसे में आपके जैसा एक वकील क्या कर सकता है? कितनी सांप्रदायिकता से आप लड़ लेंगे? आप एक ही तो व्यक्ति हैं। नहीं मैडम, एक नहीं, बहुत सारे हैं। मतलब बहुत सारे हैं और सब जगह है। मतलब ये जो इस देश को बचाने वाले लोग हर जगह है। ये कुछ लोग है जो मीडिया में बहुत आ जाते हैं, बाकी लोग दिखते नहीं है। आप रिपोर्टिंग करती है, आप तमाम देख रही हो जो अभी यहाँ से पूरा माइग्रेशन हो रहा है मजदूरों का, या लोग भूख से प्यास से, वो जात धर्म देख के थोड़ी रोटी खिला रहे हैं दूसरे को। वो हिंदू मुसलमान सब एक साथ खड़े हैं। तो ये देश का कल्चर सुरक्षित है। कुछ एक है ग्रहण लगता है समय समय पे, वो ग्रहण छड़ जाएगा इंशाल्लाह। आखिरी बात आपसे कि ये दाढ़ी रखने का फैसला आपने क्यों किया, लंबी सी दाढ़ी? नहीं ये मतलब उगते उगते उग गई और मैं असल में, मेरे बाल भी लंबे हैं, आप देखेंगे तो बाल भी बहुत बड़े मेरे। मैं टाइम किलिंग मानता हूँ दाढ़ी और बाल कटवाना। मतलब कोई शौक नहीं, मैं तो क्यों वक्त बर्बाद करूं, भले मैं बाकी दूसरे वक्त में कुछ नहीं करूं लेकिन मुझे रखता ही नहीं हूं मैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अब इससे खतरा हो गया है? पुलिस ने अभी मारा, फिर बाकी लोग कहीं आप शिकार बन सकते हैं, पीड़ित बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं सोच रहे हैं आप क्या? नहीं ये तो है, ये तो है, और खतरा उस पे ही नहीं है। मतलब खतरा हर जगह है, खतरा तो आप उर्दू पढ़ते हो उस पे भी है। मतलब मैं भोपाल में रहा कई साल, तो मैं जब उर्दू पढ़ रहा था वहां तो लोगों ने मुझसे ये पूछा, अच्छा उर्दू क्यों पढ़ रहे हो, मुसलमान हो? मतलब सर्टिफिकेट तो आप पढ़ने से भी सर्टिफिकेट मिल सकता है आपको। और मतलब और ये सर्टिफिकेट जो लोग देते हैं जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं हो, जिनके पास कोई डिग्री नहीं, वो दूसरों को डिग्री देते फिर रहे। दीपक बहुत बहुत आपका शुक्रिया। हम आपकी कामनाएं देते हैं सबकी, आप जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, न सिर्फ कि अपने लिए, आप आराम से इस बोझ को अपने ऊपर से उतार सकते थे। ये हमला आपके ऊपर नहीं था, एक गलती से पहचान का मामला था, लेकिन आप देश के संविधान के लिए, देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसके लिए एक वकील लड़ रहा है पूरे सिस्टम से, पूरे जो सांप्रदायिक माहौल है। मुझे लगता है कि भारतीय समाज आपका आभारी रहेगा। आपको शुभकामनाएं हम ही देते हैं कि आप इस कानूनी लड़ाई को जीतें, और मेरे जैसे बहुत सारे शांति प्रिय, संविधान को प्यार करने वाले, इस देश को प्यार करने वाले लोग आपके साथ हैं। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।